तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आइए आप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, यह है मोदी नगर साउथ RRTS का स्टेशन, जिस पर रूफ टॉप का जो स्ट्रक्चर है वो अब बनाना स्टार्ट हो चुका है प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों। और इस पर क्या बोलते हैं, ये कौन कोच लेवल तो पहले ही बन के कम्प्लीट हो गया था दोस्तों। अब उसमें एक्सीलेटर लगाने का काम किया जा रहा है, स्टेयर बनाए जा रहे हैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है काम किया जा रहा, और इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। देखो रास्ते ये साफ हो चुके हैं दोनों साइड के, और जो रूफ टॉप का स्ट्रक्चर है दोस्तों वो साइडों में पड़े हुए हैं। इसका यहाँ पर देख सकते हो ये बीच का डिवाइडर बना लिया जा चुका है, इसमें मिट्टी डाली जाएगी, मिट्टी डालने के बाद में इसमें प्लांटेशन कर दी जाए। देख सकते हो ये रूफ टॉप के स्ट्रक्चर ये देखो पड़े हुए हैं दोस्तों, यही ऊपर यहाँ से उठा के और ऊपर ले जाते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों। तो अभी इसका रूफ टॉप का जो स्ट्रक्चर है वही लगाने का काम चल रहा है मुरादनगर के स्टेशन पे, मोदी नगर साउथ के स्टेशन पर और मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन पे भी दोस्तों, और मेरठ साउथ के स्टेशन पर भी दोस्तों। ये रूफ टॉप का जो स्ट्रक्चर बनाने का काम है वो किया जा रहा है, जब स्ट्रक्चर लग जाएगा तब इस पर रूफ टॉप डाला जाएगा, यानी कि सेट डाला जाएगा। तस्वीरें देख सकते हो, जो गाजियाबाद दुहाई और साहिबाबाद का जैसा रूफ टॉप बनाया गया है उससे अलग होने वाला है दोस्तों। ये तस्वीरें देख सकते हो, और ये आ चुके हैं हम कहाँ पे, मुरादनगर RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, दोनों साइड का एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है, बीच का डिवाइडर बना लिया जा चुका है। अभी दो दिन पहले ही बारिश पड़ी है बहुत ज़्यादा, तो पानी भरा हुआ है दोनों जगह पर। देख सकते हो लेफ्ट लेफ्ट साइड का तो ये रहा एंट्री एग्जिट पॉइंट, जिस पे क्या सेटिंग लगा दिया। अब इस पर बीम डाले जाएंगे, ये जो पिलर बनाए इन पर बीम बनाएंगे, बीम बनाने के बाद में फिर इस पर क्या फ्लोर वर्क का काम किया जाएगा और स्टेशन से जोड़ा जाएगा दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो मुरादनगर RRTS का स्टेशन एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का। क्योंकि सामने पानी भर रहा तो मैं उधर नहीं दिखा सकता, क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को जब दिखाया था तो अच्छी तरीके से दिखाया था। और दूसरी साइड का देखो ये बनाया जा रहा है, जिस पर प्लेटफॉर्म से जोड़ भी दिया जा चुका है, फ्लोर वर्क भी कर दिया है। अब जो ऊपर का रूफ टॉप है दोस्तों वही बनाया जा रहा है, देखो वो सेटरिंग लगी हुई है, इस पर बीम लगाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये एक्सीलेटर रहने वाला है दोस्तों। ये एक्सीलेटर यहाँ लगाया जाएगा, सॉरी क्या बोलते हैं लिफ्ट, ये लिफ्ट के लिए यहाँ पर देखो ये सेटरिंग लगी हुई है, और देखो ये बीम भी डाल रहे हैं ऊपर की साइड में, नीचे का काम हो गया। अब चलते हैं आगे, दिखाते चल के कहाँ मोदी नगर नॉर्थ RRTS का स्टेशन दिखाएंगे चल कर आप सभी को। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर दोस्तों। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, बीच का जो डिवाइडर बनाने का काम था वो कर लिया जा चुका है, इस पर मिट्टी भी डाल दी जा चुकी है दोस्तों। अब इस पर प्लांटेशन करना बाकी बचा है, और जो ऊपर ऊपर जो प्लेटफॉर्म जो जो ऊपर का काम है ना दोस्तों, यानी कि गाय का जो ट्रैक का जो पानी आएगा बरसात के दिनों में, वो नीचे देखो यहाँ पर डाला जा रहा है, इसके बीच में डिवाइडर के बीच में देखो ये जो गोल गोल से गड्ढे किए हैं ना इसके ज़मीन के अंदर, इसी में किए हैं गोल गोल गड्ढे, और उसमें ही पानी स्टोर हो जाया करेगा, और धीरे 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 इसका पानी ख़त्म हो जाएगा करा। तो इसीलिए यहाँ पर ये बनाया गया है, तस्वीरें देख सकते हो। आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मुरादनगर से लेकर वो सॉरी दुहाई RRTS के स्टेशन से लेकर और मेरठ साउथ के स्टेशन तक यहाँ पर बायोडक्ट बिल्कुल क्लियर कर लिया जा चुका है, इस पर ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है दोस्तों, और इलेक्ट्रिसिटी के खंभे पूरे ट्रैक पे लग चुके हैं दोस्तों। दुहाई से लेकर और मेरठ साउथ के स्टेशन तक इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए हैं, उनके ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिया जा चुका है। अब ओवरहेड वायरिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों, और ट्रैक स्लैब भी ही डाले जा रहे हैं कि बीच बीच में अभी बचा हुआ है। तो 50% काम ख़त्म हो चुका है दोस्तों,
25 किलोमीटर के दायरे में दोस्तों, बिल्कुल काम 25 किलोमीटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर का ट्रैक अभी इसमें बिछाया जाना बाकी है दोस्तों, वो बचा हुआ है। आप लोग तस्वीरें देख सकते हो, ऐसे ही वीडियो देखो केपी संत के चैनल पर। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन देता रहता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना, और वीडियो को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। आप लोग इंजॉय कीजिए, मिलते हैं आप सभी से लास्ट में। लगा दिया है ना, देखो आप लोग तस्वीरें, देखो सारे में ओएची लगे हुए हैं, लेकिन अभी वायरिंग का काम नहीं हुआ है, इसको अभी वायरिंग डाली जाएगी दोस्तों। और ये आ चुका है मोदी नगर नॉर्थ RRTS का स्टेशन, जिस पे अभी क्या जो शेड बनाने का काम है दोस्तों वो नहीं किया जा रहा, अभी जो शेड का स्ट्रक्चर है वो अभी इस पे नहीं लगाया गया है। चलते हैं आगे दिखाते चल के, जब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर चमकेगा दोस्तों। मोदी नगर नॉर्थ RRTS स्टेशन देखो ये आ चुका है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो, जिसका कौन कोच लेवल बन के कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन प्लेटफॉर्म लेवल पर काम किया जा रहा है। और जो इसका रूफटॉप का काम है दोस्तों, उस पर रूफटॉप का जो स्ट्रक्चर है वो अब लगाने का काम किया जा रहा है, यानी कि स्टार्टिंग ही हुई है दोस्तों। ये देख सकते हो आप लोग मोदी नगर नॉर्थ RRTS स्टेशन, तस्वीरें देख सकते हो आप लोग कि किस तरीके से बनाया जा रहा है, और यहाँ पर भी ये पेंट करने का काम स्टार्ट हो चुका है। देखो आप लोग तस्वीरें, ये मशीनें लगी हुई हैं, और इधर की साइड में ये बनाया जाएगा है एंट्री एग्जिट पॉइंट दोस्तों, इस जगह पे देखो यहाँ पर ये बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट। देखो ये लोहे के पिलर भी लगे हुए हैं, जिन पे अब निकालने का काम किया जा रहा है इनको। अभी इस पर मोदी नगर नॉर्थ के RRTS के स्टेशन पर ज़्यादा कुछ काम देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत कम ही काम चल रहा है। देखो और इधर तो देखो प्लांटेशन कर दिया दोस्तों, देखो ये इधर ये देखो गड्ढा करके, और जो ये बायोडक्ट का पानी आता है बरसात का वो इसके अंदर ज़मीन में धस धस जाया करेगा दोस्तों। देखो सारे में इन्होंने मिट्टी डाल के एक सार करके और फिर इसमें प्लांटेशन कर दिया। देखो ये प्लांटेशन की है नहीं की है ये देख सकते हो सारे में भाई साहब, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा के उस पर OHE लगा दिए हैं, लेकिन अभी वायर नहीं लगाई गई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये कि नाला आ जाता है, और इसीलिए ये थोड़ा सा लेफ्ट में कर्व ले लेता है। तस्वीरें देख सकते हो,
ये थोड़ा सा लेफ्ट में कर्व ले लेता है और यहाँ पर स्टील के गाटर लगाए गए हैं दोस्तों। देखो ये स्टील के गाटर द्वारा इस पर लॉन्च किए गए हैं, यानी कि ये नाले के ऊपर दोस्तों, और यहाँ तक कि बीच में रोड आ रही है, और तो यहाँ से ये थोड़ा सा कर्व ले लेता लेफ्ट में, फिर उसके बाद में ही बीच में ही आ जाती है। देखो एक जगह ये है, एक जगह और देखने के लिए मिलेगा। देखो ये मिट्टी थारे में डाल दिए इन्होंने, डाल भी रहे हैं, और इस पर आप प्लांटेशन कर दी जाएगी दोस्तों। देखो किस तरीके से मिट्टी डालते हैं, यहाँ पर डिवाइडर थारे में बना लिया है। मतलब जब ही तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 50% काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और 50% अभी बचा हुआ है बाकी करने के लिए, तो वो भी जल्दी कर लिया जाएगा। और आने वाले टाइम में दोस्तों ये साहिबाबाद से लेकर और मेरठ साउथ के स्टेशन तक ये शायद पहली बार चलाई जाएगी, इसका मुहूर्त किया जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी दुआई का साहिबाबाद के बीच में इस पर RRTS दौड़ती है दोस्तों। देखा दोस्तों आप सभी ने कि सारा काम कंप्लीट हो चुका, 50% हो गया, 50% बाकी बचा हुआ है। इस पर बस इलेक्ट्रिसिटी की लाइन बस डाली जानी है दोस्तों, बाकी तो सारा काम हो गया। बीच बीच में इस पर ट्रैक स्लैब और फिर ट्रैक बिछाया जाएगा दोस्तों, और बीच का डिवाइडर पर देखो मिट्टी भी डाल दी है, अब प्लांटेशन की जानी है दोस्तों। तो यही वर्क था जो कि मैं आप लोगों को दिखाया। अगली वीडियो में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन दोस्तों, के उस पर क्या क्या वर्क किया जा रहा है, क्या अभी बाकी रह गया है, वो सब कुछ आप सभी को अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी इंजॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ऐसी वीडियोज़ देखते रहो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय